नमस्कार, इस 2020 सीरीज का 15वां लैंप है रोम्बिक युगोक्टाहेड्रन, जो हम आपके साथ आज बनाएंगे और उसको बनाने के बाद इसके पीछे के स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। कागज का रोम्बिक क्यूब ऑक्टाहेड्रन बन चुका है और ये बना है जो क्यूब ऑक्टाहेड्रन हमने पहले लैंप बनाया था उसकी हर साइड को अगर आधा कट कर देंगे तो हमें ये मिलेगा। तो आधा कट करने से हमें वर्टेक्स पे क्या मिल जाएगा, क्योंकि चार फेसेस आके मिल रहे हैं तो वर्टेक्स पे हमें स्क्वायर मिलेगा और ट्राइंगल फेसेस पे ट्राइंगल ही मिलेगा क्योंकि हम आधा कट कर रहे हैं, और स्क्वायर फेसेस पे भी क्या मिलेगा, स्क्वायर ही मिलेगा क्योंकि हम हर साइड को क्या कर रहे हैं, आधा कट कर रहे हैं। और इसके पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया था ये वाला कंकेटेड क्यूब ऑक्टाहेड्रन, जो इसी क्यूब ऑक्टाहेड्रन की साइड्स को 1/3 कट करने पे ये वाला हमें मिला था जो ट्रंकेटेड क्यूब ऑक्टाहेड्रन है, और आज आधा कट करने पे हमें मिला है रोम्बिक क्यूब ऑक्टाहेड्रन। इसमें 24 फेसेस है, साइड्स है 48 और इसके जो वर्टेसेस हैं वो है 26। जैसा कि हमने 30-30 के लास्ट एपिसोड में भी देखा था कि ये जो क्यूब ऑक्टाहेड्रन है इसको आप ऐसे माचिस की तिल्लियों से या ये कबाब स्टिक्स यहाँ पे यूज करिए, कोई भी स्टिक्स यूज करके और साइकिल बोल्ट ट्यूब से जॉइंट बना के ये क्यूब ऑक्टाहेड्रन आप बना सकते हैं।